क्लास ट्वेल्थ आज आपकी ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में जो आपका चैप्टर चल रहा है छठवा चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर चल रहा है लास्ट ऑनलाइन क्लास में हम इसके पहले आपको कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक बताए थे, ठीक है, और दो धारावाही परिणालिका के कारण उत्पन्न जो स्वप्रेरकत्व है उसके लिए व्यंजक बताया गया था, ठीक है। आज आपका जो टॉपिक है, अभी इसके पहले हम स्वप्रेरकत्व की गणना की, मतलब कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़े। आज आपको एक और इंडक्शन होती है जिसको कहते हैं अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, सबसे पहले आपको समझना है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है। अभी तक हम देखे थे स्वप्रेरण की घटना में कि जब किसी एक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, तो उसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ठीक है। जिस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यदि उसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो उसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से जानते हैं कि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, और ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न में चूंकि प्रेरणा से उत्पन्न हुई है, प्रेरित करने से, इसीलिए इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल एक प्रकार की प्रेरित धारा उत्पन्न करती है जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये घटना स्वप्रेरण की घटना होती है। स्वप्रेरण की घटना में एक कुंडली होती है, एक ही कुंडली होती है, एक ही परिपथ होती है कि हम एक ही कुंडली या परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को परिवर्तित करें तो मुख्य धारा भी इसी में प्रवाहित होती है, और जो स्वप्रेरण की घटना के कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो भी उसी परिपथ या कुंडली में होती है। मतलब प्रेरित धारा और मुख्य धारा एक ही कुंडली में होती है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। ये स्वप्रेरण की घटना में होती है। यहाँ स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण की बहुत अच्छे से आपको समझना है कि इन दोनों में फर्क क्या है, इसलिए आज आपको हम पुनः थोड़ा इसका रिफरेंस दे रहे हैं कि स्वप्रेरण क्या है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण में क्या होता है कि दो कुंडलियां एक दूसरे के नजदीक रख दी जाए, एक दूसरे के पास रख दी जाए। प्राथमिक कुंडली में एक बैटरी कुंजी जोड़ दिया जाए और प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तथा उसके पास दूसरी कुंडली रखी गई है जिसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ी है, ठीक है, कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, केवल वो प्राथमिक कुंडली के पास रखी गई है। तो हम यदि प्राथमिक कुंडली जो है उसमें एक बैटरी लगा के और विद्युत धारा प्रवाहित करें, और यह विद्युत धारा हम प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में क्या करें, परिवर्तन करें। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में
परिवर्तन किया जाए तो उसके पास रखी गई जो द्वितीयक कुंडली है, जो दूसरी कुंडली है, उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। द्वितीयक कुंडली या दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीयक कुंडली में ही एक प्रकार की प्रेरित धारा उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये घटना अन्योन प्रेरण की घटना कहलाती है। मतलब अन्योन प्रेरण की स्थिति में प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके पास रखी गई द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये दोनों कुंडली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, केवल एक दूसरे के पास रखी गई है। तो प्राथमिक कुंडली की प्रेरणा से उसके क्रिया मतलब प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करने से द्वितीयक कुंडली जो पास में रखी गई है उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में ही एक प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न होती है जो प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। तो ये घटना अन्योन प्रेरण की घटना कहलाती है, ये अन्योन प्रेरण की घटना कहलाती है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ चित्र में हम बता रहे हैं कि दो कुंडलियाँ, एक प्राथमिक कुंडली है, एक द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में एक बैटरी कुंडली जोड़ के इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो जब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, एक यहाँ रिहास्टेट जोड़ दिया जाए, परिवर्ती प्रतिरोध आर्यन यदि जोड़ दिया जाए और प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, तो इसके पास जो द्वितीयक कुंडली है सेकेंडरी, उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो ये जो धारा मापी है जी, यदि हम यहाँ एक संकेतक लगा दें तो ये संकेतक में क्या आएगा, विक्षेप उत्पन्न होगा। यदि हम इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान को न परिवर्तित करें तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन जैसे विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो धारा का मान शून्य से अधिकतम होती है, तो धारा का मान बदलती है। धारा का मान प्राथमिक कुंडली में बदलने से उसके पास रखी गई दूसरी कुंडली जो है उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और रखे गए जो धारा मापी गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। तो ये घटना स्वप्रेरण की घटना कहलाती है। तो दो कुंडली यदि पास में रखी जाए तथा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा को बदलने पर पास रखी गई द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो इस तरह से ये अन्योन प्रेरण को आप समझे। इसके बाद और भी अगला टॉपिक है, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व। जिस तरह से हम कुछ कंडीशन में स्वप्रेरकत्व की गणना किए थे, उसी तरह से हमको अन्योन प्रेरकत्व की गणना करना है। तो देखना है टॉपिक, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व, ये एक अलग टॉपिक है। तो इसमें हम मानते हैं कि माना दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां हैं जिनमें फेरों की संख्या N1 और N2 है, तथा ये कुंडलियों की जो त्रिज्याएं हैं वो R1 और R2 है, R1 है और R2 है। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा IP तथा द्वितीयक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा IS है, प्राइमरी और सेकेंडरी IS है। तो आप ये देखें कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा यदि IP है तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है,
ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू पाई एन आई अपॉन आर करके आता है। जब हम सॉल्व करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b बराबर म्यू जीरो एन वन आई पी अपॉन टू आर। अब ये तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई, इसके बाद इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो द्वितीय कुंडली पास में रखी गई है इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो जो द्वितीय कुंडली पास में रखी गई है इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन फाई एस, फाई का मतलब चुंबकीय फ्लक्स, एस जो जुड़ा है वो द्वितीय कुंडली है, तो द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन फाई एस इक्वल टू बी इंटू एन टू ए होता है। फाई इक्वल टू बी इंटू ए, लेकिन एन टू का गुणा किया गया है क्योंकि द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या एन टू है, तो एन टू इंटू ए हो प्रभावी क्षेत्र। अब हम बी का मान रखेंगे यहाँ पर, जो ये है बी का मान ये दिया है वो मिलता है, तो यहाँ पर फाई एस इक्वल टू बी की वैल्यू रखेंगे तो म्यू जीरो एन वन आई पी अपॉन टू आर वन इंटू एन टू और ए। ए यहाँ पर जो कुंडली है उसकी त्रिज्या यदि स्मॉल आर है, अब चूंकि द्वितीय कुंडली है तो आर टू ले लेंगे, तो यहाँ एरिया जो होगा वो पाई पाई आर टू स्क्वायर होगा, तो पाई आर टू स्क्वायर या टू इंटू ए की वैल्यू रख दी। अब हम ये फाइनस की मान लू मतलब द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो, किंतु हम जानते हैं कि फाई एस इक्वल टू एम आई क्योंकि ये हमको मिला है अन्योर प्रेरण से, क्योंकि द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है, अर्थात फाई एस समानुपाती आई पी। जब हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो फाई एस इक्वल टू एम आई पी, यहाँ एम जो है एक समानुपातिक नियतांक है, चूंकि यहाँ अन्योन प्रेरण की घटना हो रही है, दो कुंडलियाँ हैं इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से यहाँ कैपिटल एम एक समानुपातिक नियतांक है जो है ना, और ये एम अन्योन प्रेरण गुणांक कहलाता है या अन्योन प्रेरकत्व कहलाता है। तो यहाँ फाइनस इक्वल टू एम आई पी, तो एम इक्वल टू फाइनस अपॉन आई पी। अब यहाँ फाइनस की वैल्यू जो ये मिला वो पुट करेंगे तो म्यू जीरो एन वन आई पी अपॉन टू आर वन इंटू एन टू पाई आर टू स्क्वायर, और ये आई पी है ये, तो आई पी नीचे आ जाए तो ये आई पी से आई पी कैंसिल होगा, तो आएगा एम इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन टू एन वन एन टू पाई आर टू स्क्वायर पाई आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन, तो म्यू जीरो एन वन एन टू पाई आर टू स्क्वायर अपॉन टू आर वन। ये अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक है, ये जो है दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक है, ठीक है, या अन्योन प्रेरण गुणांक का व्यंजक, ये हमारा रिजल्ट है और यह अन्योन प्रेरकत्व के लिए व्यंजक है। ये इस तरह से अन्योन प्रेरकत्व का जो मान है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो हम देखते हैं कि जो जो समतल वृत्ताकार कुंडलियों हैं कुंडलियां हैं उनमें फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, n1 पर निर्भर करती है और n2 पर निर्भर करती है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2 है, तो यहाँ पर n1 n2 इंटू आर टू स्क्वायर मतलब द्वितीय कुंडली के त्रिज्या के वर्ग पर निर्भर करेगा और R1 जो प्राथमिक कुंडली है उसकी भी त्रिज्या पर निर्भर करेगी। तो जो दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व ठीक है उसका मान जो है वो प्राथमिक नंबर एक अन्योन प्रेरकत्व प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होगी, दूसरा पॉइंट दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या पर इसका डैश करके लिखेंगे कि दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होती है, और तीसरा पॉइंट द्वितीय कुंडली
के त्रिज्या पर है ना, तो दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेम तत्व का मान जो है द्वितीय कुंडली की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। और चौथी बात है कि प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या पर, तो दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेम तत्व का मान प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या के व्यतिक्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से हम दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेम तत्व के लिए व्यंजक ज्ञात किए, और ये देखें कि ये अन्योन प्रेरकत्व का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये निर्भर करेगा। अब अगला पॉइंट हम फिर से नेक्स्ट आते हैं कि दो समक्षीय लंबी परिनालिका के बीच अन्योन प्रेरकत्व, कल हम पढ़े थे दो धारावाही परिनालिका के बीच स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक, ठीक है, आज हमको पढ़ना है दो लंबी परिनालिका के बीच अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजन, ठीक है। तो इसके लिए हम मानते हैं कि ये चित्र है हमारे पास, एक प्राथमिक कुंडली है जिसमें फिर इस तरह से टर्न है, यहाँ से विद्युत धारा जाती है प्रवाहित होकर यहाँ आती है, और एक दूसरी कुंडली एस है जो समक्षीय है, वो भी इसी टी में एक टर्न से इस तरह से टर्न करके और एक पॉइंट यहाँ, इसकी लंबाई क्या है स्मॉल एल है, प्रवाहित होने वाली धारा प्राथमिक कुंडली में आईपी है तथा द्वितीय कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा आईएस है, ठीक है। इनमें जो फेरों की संख्या है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी है ना, या एन वन कह सकते हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एन वन तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है, ठीक है, तथा इनमें प्रवाहित होने वाली धारा जो प्राथमिक कुंडली है, इनमें प्रवाहित होने वाली धारा IP और द्वितीय कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है IS। तो इस तरह से प्राथमिक कुंडली में धारा IP बहाने पर इसके भीतर अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B आएगा, B इक्वल टू म्यू जीरो एन वन आई पी अपॉन एल, ये डायरेक्ट हम उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। जब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिए तो हम चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है B इंटू ए, B क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और A क्या है कुंडली का प्रभावी क्षेत्र, तो अर्थ आएगा आगे B इक्वल टू म्यू जीरो एन वन आई पी अपॉन एल। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली S से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इस तरह से इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली S से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स IS इक्वल टू B इंटू एन टू ए, एन टू क्या है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ए क्या है कुंडली के तल का क्षेत्र, तो IS इक्वल टू B इंटू एन टू ए। अब हम यहाँ IS यहाँ B की वैल्यू रख देंगे, तो म्यू जीरो एन वन आई पी अपॉन एल, तो म्यू जीरो एन वन आई पी अपॉन एल इंटू एन टू ए, तो आएगा हमको ये द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान आ गया। अब जब द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान आया, तो हम जानते हैं अभी पढ़े हैं कि phi s equal to m ip, तो m equal to phi s upon ip, तो phi s की वैल्यू रखेंगे म्यू जीरो एन वन एन, क्या मैं वैल्यू रखेंगे म्यू जीरो एन वन एन टू आई पी ए अपॉन एल, phi s की वैल्यू और अपॉन आई पी, एक आई पी का फिर से यहाँ डिवाइड करें तो आई पी से आई पी कैंसिल होगा, तो रिजल्ट में आएगा म्यू जीरो एन वन एन टू, म्यू जीरो एन वन एन टू ए अपॉन एल, क्योंकि आई पी तो कट गया, एम इक्वल टू फाइव अपॉन आई पी, तो आई पी से आई पी कैंसिल होगा, तो ये कहलाएगा दो समाक्षीय लंबी परिनालिका के बीच अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक
म्यू जीरो एन वन एन टू ए अपॉन एल, यहाँ चार फैक्टर्स हैं कि दो समाक्षी लंबी प्रणाली का विभि जो अन्योन प्रेरकत्व का मान है वो चार कारकों पर निर्भर करता है। नंबर एक कारक होगा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या पर, तो यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है तो दो समाक्षी लंबी प्रणालिका के बीच अन्योन प्रेरकत्व का मान भी ज्यादा होगा। दूसरा एन टू पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पर भी इसका भी मान ज्यादा होगा तो अन्योन प्रेरकत्व का मान ज्यादा मिलेगा। फिर कुंडली के तलों के क्षेत्रफल पर, कुंडली के तलों के क्षेत्रफल अधिक है तो अन्योन प्रेरकत्व का मान हमें अधिक प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरह से चौथी बात है परिनालिका की लंबाई पर, तो परिनालिका की लंबाई जो है अन्योन प्रेरकत्व का मान परिनालिका की लंबाई पर भी निर्भर करेगा, लेकिन लंबाई के व्यर्थ क्रमानुपाती है, ठीक है। मतलब है हमको दो समक्षी लंबी परिनालिका के बीच अन्योन प्रेरकत्व का मान जो है परिनालिका की लंबाई यदि कम रखी जाए तो हमको अन्योन प्रेरकत्व का मान ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से हम अन्योन प्रेरकत्व की भी गणना कर लिए। इसके आगे और भी हैं कुछ जिन्हें आपको तैयार करना है, अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में क्या अंतर है, ठीक है, ये आप करेंगे कंप्लीट, ठीक है। इसमें तीन चार पॉइंट लिखना है, मैं समझा दिया। एक तो परिभाषा का अंतर हुआ, दूसरा एक कुंडली होती है स्वप्रेरण में, अन्योन प्रेरण में दो होती है। तीसरी बात क्या है कि प्राथमिक कुंडली में और मुख्य धारा और प्रेरित धारा दोनों होती है स्वप्रेरण की घटना में, ठीक है, जबकि द्वितीय कुंडली में, जबकि अन्योन प्रेरण की घटना में प्राथमिक कुंडली में मुख्य धारा लेकिन द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, और मुख्य धारा स्वप्रेरण की घटना में मुख्य धारा प्रेरित धारा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है स्वप्रेरण की घटना में, लेकिन अन्योन प्रेरण की घटना में जो है मुख्य धारा प्रेरित धारा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती है। तो इस तरह से आप ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लगभग ये चैप्टर कंप्लीट की ओर है, थियर का भी कंप्लीट करेंगे, कुंडलियों का संयोजन भी है, श्रेणी समानांतर प्रयास करेंगे, बहुत सरल है, यदि नहीं बनता तो आप पूछ लेंगे और बराबर कंप्लीट करेंगे चैप्टर, रिवीजन करेंगे, जो आपको यूट्यूब वीडियो भेजा जाता है वो नोट्स भी भेजे जाते हैं और आप बुक है आपके पास, ये सब मिला के आपको कंप्लीट करना है और कोई प्रॉब्लम है तो आपको पूछना है, ठीक है।